नमस्कार दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो एनसीईआरटी बुक्स इतिहास हमारी चल रही थी कक्षा 7 की, इसमें आज हमारा अध्याय नंबर 4 आ चुका है, और जिसमें आज हम बात करेंगे मुगल शासक के बारे में। और मुगल शासक 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक के बारे में चर्चा करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन मैं डेली लेकर आता हूँ। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको प्रताप क्लासेस में मिल जाएगी। गूगल प्ले स्टोर से आप जो है प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें, और वहां से एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 6 से 10 तक की आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। इसी के साथ मैं प्रताप क्लासेस पर आपको बताऊं तो देखिए, एनसीईआरटी की बुक्स की टेस्ट सीरीज, संपूर्ण विज्ञान की, और ऑल एग्जाम 2023 यानी 2023 का करंट आपको लेना है तो ले सकते हो। सूचना सहायक आरपीएससी द्वारा पूछी गई और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। इसी के विरुद्ध मैं आपसे बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड स्पेशल स्कूल व्याख्या की हमने करंट अफेयर्स 2024 भारत और राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है मात्र 100 रुपए में। यानी जितना आपका फर्स्ट ग्रेड के अंदर प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर जो टॉपिक है करंट के, वो ही आपको इस टेस्ट में मिलेंगे। यानी अच्छे तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, वहां से हूबहू आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राजस्थान और भारत दोनों के मिलेंगे। ठीक है, यानी वहां पे दिया हुआ है कि भारत के संदर्भ में, यानी भारत राजस्थान के संदर्भ में हमें जो है टॉपिक डाले हैं सारे के सारे। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़ना है इनको। इसी के साथ थोड़ी सी मैं चर्चा करूं तो भारतीय राजव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी स्पेशल, आपको स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, जैसे आरपीएससी कोई भी एग्जाम करवाती है, कर्मचारी चयन कोई भी एग्जाम करवाता है, पीटीआई, राजस्थान पुलिस, सीईटी, रीट और पटवार और एलडीसी के लिए महत्वपूर्ण है ये। आपको पता है कोई भी एग्जाम हो वहां पे इंडिया पॉलिटी के प्रश्न पक्के पूछे ही पूछे जाते हैं, और विशेष टॉपिक दिए जाते हैं। तो हम संपूर्ण टॉपिक यानी पूरी पॉलिटी का आपको टेस्ट सीरीज पहली बार जो है प्रताप क्लासेस पर मात्र 100 रुपए में मिलेगा, और कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, पूरी प्रक्रिया तो अच्छे तरीके से इसको पढ़े। फिर बात करते हैं हम, देखिए पहले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर कहता है हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। क्या बिल्कुल सही है कथन? ठीक है, मनसबदारों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर की जाती थी। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। तो इसके आंसर की बात करें तो ये 1 नंबर और 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह क्या कहलाते थे? मनसबदार कहलाते थे। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। तो याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये कहते थे कि मनसबदार की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर की जाती थी, तो ये बिल्कुल गलत है। देखते हैं क्यों गलत है, इसके आंसर की पहले हम चर्चा करेंगे। तो 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फिर मुख्य तथ्य की बात करें, मुगल सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। ठीक है, क्या कहलाते थे? मनसबदार। ये मनसबदार क्या होता है इसकी भी चर्चा करें तो मनसबदार जो है शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई सरकारी पद या हैसियत मिलती थी। इनकी नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर नहीं की जाती थी। ठीक है, मनसब प्रथा अब की जाती है वर्तमान में, लेकिन उस टाइम जो है कोई योग्यता नहीं होती थी, और अनुभव के आधार पर या उनकी अलग जो भी कोई शारीरिक दक्षता के आधार पर, इस प्रकार जो है, और उनकी सिस्टम के आधार पर मनसब प्रदान करना सम्राट का विशेष अधिकार था, यह किसी भी मनसब को दे सकता था। तो याद रखना है, ये मनसबदार मुगल सेवा के अंदर था तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, मुगल काल में जब्त शब्द किस ओर इंगित करता है? जब्त की बात करें तो ये क्या है, इस प्रकार के शब्दावलियां जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो इसकी बात करें तो राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को कहते थे। क्या कहते थे? राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को क्या कहते थे? जब्त के रूप में जाना जाता था। देखिए, अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया, और हर फसल की जो राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इसी व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह जबत व्यवस्था गुजरात व बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाई थी। तो ये भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। गुजरात का जो क्षेत्र है और बंगाल का जो क्षेत्र है वहां पे ये नहीं चल पाई। बाकी अकबर का जो राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। टोडरमल ने अच्छी तरीके से इनकी प्रशासनिक व्यवस्था को संभाला, अच्छे तरीके से सर्वेक्षण किया और अच्छे तरीके से काम किया। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है,
अकबर के सुलह-ए-कुल क्या है? अकबर के सुलह-ए-कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की थी? तो अकबर की मदद किसने की थी? कुछ मैं क्वेश्चन अलग लेकर आया हूँ जो इस एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो हमें एनसीईआरटी पढ़ने ताकि हमारे क्वेश्चन कोई गलत न हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा अबुल फजल। अकबर के सुलह-ए-कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। ठीक है, देखिए अबुल फजल ने सुलह-ए-कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इसी सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। ठीक है, फिर बात करते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने इबादत खाने में विभिन्न धार्मिक गुरुओं के साथ धर्म के मसलों पर चर्चा शुरू की। इबादत खाने में चर्चाओं के दौरान अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। क्या ये दोनों बिल्कुल कथन सही है? तो इसमें देखिए इसका आंसर हो जाएगा, तो दोनों बिल्कुल कथन सही है। अकबर ने क्या किया? इबादत खाने में विभिन्न धार्मिक गुरुओं के साथ धर्म के मसले पर चर्चा शुरू हुई। ठीक है, और उसके बाद इबादत खाने में चर्चाओं के दौरान अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति या मतांधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, देखिए मुख्य तथ्य, इसका आंसर 1 व 2 हो जाएगा। मुख्य तथ्य की बात करें, 1570 में जब अकबर के फतेहपुर सीकरी में था तो उसने रोमन कैथोलिक के पादरियों, जरथुष्ट धर्म के अनुयायियों, उलेमाओं, ब्राह्मणों के साथ धर्म के मामले में चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। कहाँ पे? इबादत खाना में। इन्हीं विचार विमर्शों से अकबर की समझ बनी जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन एवं असमंजस पैदा करती है। यही अनुभव अकबर को सुलह-ए-कुल या स्वर्त शांति के विचार की ओर ले गया था। फिर बात करते हैं, अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण किस शहर में करवाया गया था? अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण कहाँ करवाया गया था? तो फतेहपुर सीकरी के अंदर करवाया गया था। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मुगल काल से संबंधित विभिन्न विभागों एवं पदाधिकारियों के संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न और एग्जाम में सीटेट में मोस्ट कर लेना इसको। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें बात करें हम, तो इसमें देखिए प्रांतों के प्रशासन को कहते थे सूबेदार। अभी आया था, सूबेदार कहते थे किसको? प्रांतों के जो प्रशासक होते उन्हें सूबेदार कहते थे। फिर एक प्रांतों के वित्तीय अधिकारी कौन होते थे? जो प्रांत थे उसके वित्तीय अधिकारी होते थे दीवान, उन्हें क्या कहते थे? दीवान कहते थे। फिर धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री कौन होता था? तो ये होता था सदर। ठीक है, और सेना नायक कौन होता था? फौजदार विभाग के अंदर। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। इसके आंसर की बात करें तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, और सी का हो जाएगा 1, और डी का हो जाएगा 2। यानी 3, 4, 1, 2 इसका आंसर हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 बी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों को अकबर ने निर्धारित किए थे। इसका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। ठीक है, अब याद रखना है, तो अबुल फजल की एक तो याद रखना है कृति है अकबरनामा, और आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बंटा था जिन्हें सूबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूबा। सूबों के प्रशासकों को सूबेदार कहते थे जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे। प्रत्येक प्रांत का एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जिसे दीवान कहते थे। ये प्रशासनिक पद है, थोड़े याद रखने आपको। फिर देखिए, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग भी प्राप्त था। जैसे सदर धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का था। सदर फौजदार की बात करें तो सेना नायक था। कोतवाल की बात करें तो नगर का पुलिस अधिकारी होता था, और बख्शी की बात करें तो सैनिक वेतनाधिकारी होता था। तो ये सारे जो शब्दावलियां आपको याद रखनी है। फिर अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण निम्न में से किस पुस्तक में मिलता है? ठीक है, किस पुस्तक में मिलता है? अकबरनामा के अंदर मिलता है। ठीक है, किसमें? अकबरनामा के अंदर। और किसकी है ये पुस्तक? मैंने अभी बताया था, कमेंट में जवाब दीजिए। अबुल फाजल ने अकबर के शासनकाल का इतिहास 3 जिल्दों में किया लिखा, और इसका शीर्षक अकबरनामा रखा। क्या रखा?
अकबरनामा पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी जिल्द अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है, और तीसरी की हम बात करें तो आईने अकबरी के अंदर, ठीक है, आईने अकबरी का, इससे अकबर के प्रशासन घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य की भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है। तो तीनों याद रखनी है, ठीक है। पहले के अंदर क्या है, इसके अकबर के जो पूर्वज हैं उनके बारे में लिखा है, दूसरे में अकबर की घटनाओं के बारे में, और तीसरा उसके जो प्रशासन किस प्रकार चलता था उसके बारे में, ठीक है। तो याद रखना आपको, अकबरनामा किसकी है, अबुल फजल की है, ठीक है। मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किया जाता था, एक तो किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था, ये तो पढ़ा था हमने, किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व इकट्ठा करता था। तो दोनों एक ही बात होगी, तो दोनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था, आपको पता है। अधिकतर स्थानों पर किसान गांव के मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे, समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह ग्राम मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल इनके लिए ही जमींदार शब्द का प्रयोग करते थे, ठीक है। कथन एवं कारण के संदर्भ में निम्न प्रश्न पर विचार कीजिए, कथन और कारण क्या कहते हैं, कथन और कारण क्या कहता है। कारण कथन कहता है कि औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाला राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था, बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि औरंगजेब के शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में कमी हुई तथा मिलने वाले राजस्व में गिरावट आई थी, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या है, इसके आंसर की बात करें तो कथन सही है, कारण गलत है, ठीक है। देखिए, औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाला राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था, जिसका कारण मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि थी। इस कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले लंबा इंतजार रखना पड़ता था तथा जागीरों की संख्या में भी कमी हुई थी, ठीक है। फिर है कि निम्न कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए, कथन कहता और कारण क्या कहता है। कथन कहता है कि अकबर ने अपने शासनकाल में जागीरों का बड़ी सावधानी पूर्वक आकलन किया था, ठीक है। हमने पहले भी चर्चा की थी औरंगजेब के बारे में, लेकिन अकबर के बारे में कहा जाता है कि अपने जो जागीर थे उनके बारे में बड़ी सावधानी पूर्वक उन्होंने जो है आकलन किया था। फिर है कि ताकि इन जागीरों का राजस्व मनसबदारों के वेतन के तकरीबन बराबर थे, यानी क्या थे, बराबर थे, जो मनसबदार थे और जागीरों की जो तनख्वाहें हैं, वेतन था, वो बराबर थी लगभग। इसमें क्या कथन गलत है, कारण सही है, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी इसी प्रकार से जाएगा। इसमें देखिए दोनों सही है, क्या है, दोनों सही है, कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही भी व्याख्या करता है। देखते हैं, हम अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान जागीरों का बड़ी ही सावधानी पूर्वक आकलन किया ताकि उनका राजस्व मनसबदार के वेतन से ज्यादा न हो, तकरीबन वेतन के बराबर ही रहे, ठीक है। तो मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ये जितने भी मुगल प्रशासनिक व्यवस्था है अच्छी तरीके से पढ़ना है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तो मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, बिल्कुल सही है। मनसबदार इक्तादारों की तरह ही अपने जागीर पर आश्रित रहते थे, उन पर प्रशासन करते थे, बिल्कुल गलत है। तो इसमें इसने पूछा कि सत्य कथन कौन सा हो जाएगा, एक नंबर सत्य कथन हो जाएगा। देखते हैं क्यों है इसके बारे में, तो इसका एक आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं मुख्य तथ्य की, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, याद रखना है, ठीक है। मनसबदार इक्तादारों की तरह अपनी जागीरों पर आश्रित नहीं रहते थे, क्या होते थे, नहीं रहते थे, और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था, यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे, ठीक है, तो याद रखना है। फिर है कि मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के ऊपर हमें विचार करना है, ठीक है। तो देखिए, मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य, उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे, बिल्कुल सही है ये। सवार पद की संख्या जितनी अधिक होती थी, प्रतिष्ठा वेतन भी उतना अधिक होता था, बिल्कुल गलत है। जात पद के द्वारा मनसबदारों के रखे जाने वाले घोड़ों व घुड़सवारों की संख्या
तय होती थी। ठीक है, तो इसमें केवल एक नंबर ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे, मुख्य तथ्य केवल पहला कथन सत्य है। ठीक है, मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद वेतन सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। फिर कथन दो व तीन असत्य है। पद एवं वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। किसके आधार पर? जात पर। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी तथा वेतन भी उतना अधिक होता था। सवार पद के द्वारा मनसबदारों के द्वारा रखे जाने वाले घोड़ों और घुड़सवारों की संख्या तय होती थी। मुगलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मुगलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। मुगल दो महान शासकों के वंशज थे, क्या ये बिल्कुल सही है? मुगल माता की ओर से चीन के तांग राजवंश से थे तथा पिता की ओर से ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे, क्या ये बिल्कुल सही है? तो इसमें देखते हैं हम क्या सही होगा। तो इसने पूछा क्या है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? न तो असत्य एक है और न ही दोनों, यानी दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोनों दोनों वंशज के हैं। इसके बारे में मुख्य तथ्य के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे, माता की ओर से चीन से चंगेज खान के वंश से और पिता की ओर से ईरान इराक का जो था तैमूर वंश वहां के थे। ठीक है, मुगल उत्तराधिकारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर आ गया मुगल उत्तराधिकारी के बारे में, मुगल उत्तराधिकारी उत्तराधिकार के बारे में कथन आ गया। ठीक है, तो मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास करते थे जिसमें ज्येष्ठ पुत्र ही पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। बिल्कुल जो है कथन सही है। उत्तराधिकारी में सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, बिल्कुल गलत है। तो इसमें एक नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे मुख्य तथ्य की बात करें, मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, इसके विपरीत वे सहदायाद यानी जो पहले के वंशज थे उनकी याद में मुगल व तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापामार पद्धति शुरू की? औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापामार पद्धति की थी? मराठा शासक शिवाजी ने। किसने? मराठा शासक शिवाजी ने। दक्षिण के किन राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था? औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, एक तो था बीजापुर और गोलकुंड। ठीक है, इन्हें ये दो राज्य औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, दक्षिण के अंदर थे ये। औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की संतुलन काल का सहयोग मिला? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अकबर। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। औरंगजेब के पुत्र अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जिसमें उसको मराठों एवं दक्कन दोनों सुल्तानों से सैन्य सहायता मिली, यह सबसे बड़ा कारण था जिसके बाद औरंगजेब की राजपूतों के विरुद्ध स्थिति काफी कमजोर पड़ गई थी। शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह कैद कर दिया गया था? शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह कैद कर दिया गया था? तो उसे आगरा के अंदर कैद किया गया था। ठीक है, किस वहां पे? आगरा के किले में। शाहजहां जब बीमार हुआ तब उसने दारा शिकोह को शासन नियुक्त किया और कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यही शासन का संचालन करेगा और बाद में उसे प्रत्यक्ष रूप से उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा। यद्यपि यह घोषणा विविध रूप से नहीं हुई थी, इस कारण से शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और उसने दारा शिकोह समेत अपने तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। औरंगजेब ने अंतिम समय में शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। तो याद रखना, किसने किया था? शाहजहां को, औरंगजेब ने। ठीक है, खुर्रम किसका बेटा था? खुर्रम की बात करें तो ये बेटा था किसका? जहांगीर का। ठीक है, याद रखना है, जहांगीर का बेटा था खुर्रम। राजकुमार खुर्रम जहांगीर का बेटा था जो बाद में शाहजहां कहलाया था। इसने जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में विद्रोह किया। साथ ही जहांगीर की पत्नी नूर जहां ने शाहजहां को हाथियों पर धकेलने का प्रयास किया जो कि असफल रहा। नीचे दिए गए कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़े। ठीक है, तो देखिए, राजकुमार सलीम जिसका नाम था, जहांगीर का नाम था सलीम, बचपन का नाम, जहांगीर की माँ जोधाबाई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण उसकी सत्ता लड़खड़ाई। अकबर ने अपने शासनकाल में कभी भी दक्कन का अभियान नहीं किया। इसमें बात करें तो एक व दो दो ही सही हो जाएंगे, एक
व दो बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक व दो बिल्कुल एक व दो बिल्कुल सही हो जाएंगे। दो सी नंबर आंसर हो जाएगा। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अकबर ने आमेर के राजा बहारमल की ज्येष्ठ पुत्री हरका भाई और जोधा भाई से विवाह किया था। जोधा भाई था उसका नाम। इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम का जन्म हुआ। शहजादे सलीम जहांगीर के विद्रोह के कारण अकबर के अंतिम वर्षों के दौरान उसकी सत्ता लड़खड़ाई। अकबर के काल में दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और उसने बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, फिर देखिए 21 नंबर, अकबर के सैन्य अभियान के क्रम में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर की बात करें तो इसमें देखिए 1568 में सिंसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया। सही है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अभियान के क्रम में सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। अकबर ने अपने सैन्य अभियान के द्वारा पूर्व बंगाल, बिहार व उड़ीसा तक के क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य तक अंग बना लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर की बात करें 1, 2, 3 हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन से युगम सम्मिलित नहीं है? खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ये हमारे आगे भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, इसलिए मैंने और भी क्वेश्चन डाले हैं। एनसीईआरटी बुक में थोड़ा थोड़ा मैटर दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग डाला है ताकि वो भी आप एग्जाम की तैयारी करो तो आप अच्छे तरीके से इनको एक बार पढ़ सके। ठीक है, जल्दी जल्दी तो इसकी बात करें, इसमें देखिए खानवा का युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। पानीपत का युद्ध 1527 बाबर और राणा सांगा के बीच में। सिंदेरी का युद्ध 1528 बाबर और राजपूतों के बीच में। घाघरा का युद्ध 1529 बाबर और अफगान शासकों के बीच में। इसमें हम बात करें तो इसने पूछा है कि सही सुमेलित कौन सा है। इसमें सही सुमेलित की हम बात करें, एक तो है चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में बाबर और राजपूतों के बीच में। फिर और बात करें तो घाघरा का युद्ध हुआ था 1559 में बाबर और अफगान शासकों के बीच में। ये कथन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सुमेलित हो जाएंगे। ठीक है, और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। खानवा का युद्ध 1527 में और पानीपत का युद्ध आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसके बीच में हुआ और कब हुआ। इसके आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 4। ठीक है, आगे बात करते हैं 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया। 1527 में खानवा का युद्ध में बाबर ने राणा सांगा, राजपूत और राजाओं और उनके समर्थकों को हराया था। फिर देखिए 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी व बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन से क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा लिया था? तो इसने जमा लिया था दिल्ली और आगरा पर। ठीक है, उसके बाद बात करें 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद दिल्ली व आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था और इसी युद्ध के बाद बाबर ने अपने को बादशाह घोषित कर दिया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। बिल्कुल गलत है, नहीं करते थे वो। ठीक है, तो इसने पूछा है कि असत्य कथन है तो यही हो जाएगा। मुगलों ने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूरों के साथ अपना चित्र बनवाया था। बिल्कुल सही है, तो इसमें आंसर जो है असत्य कौन सा हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित जुड़ी थी। वही दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे क्योंकि इनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। तो इतने ही क्वेश्चन थे आज के मुगल इतिहास के बारे में। तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है इनको, और जो एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज है वो जरूर ले, अच्छे तरीके से टेस्ट करें। और डेली वीडियो आपको इसको यूट्यूब पर मिलती है, डेली क्लास देखें। रीट एग्जाम के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, कोई भी एग्जाम हो, बेसिक नॉलेज अच्छे तरीके से आप एग्जाम से पहले पहले तैयार कर सकते हो मेरे साथ, और अच्छे तरीके से जुड़े रहें। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।